आदरणीय भगवान, अभी कल की ही बात है, भारतीय शेयर मार्केट में सब शेयर पिट रहे थे। तो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कहा करते थे कि अब मार्केट की लुटिया तो डूब गई, भैंस चली गई पानी में, अब कभी रिकवर नहीं करेगा। लेकिन आप आज देख लीजिए, शेयर मार्केट में चौतरफा तेजी थी और इसमें लीडरशिप की भूमिका निभा रही है RVNL। देखिए, ये कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड है, इसके नाम में ही है रेल, लेकिन ये कंपनी अब रेलवे तक सीमित नहीं है महोदय। रेल विकास निगम लिमिटेड अब फाइबर ऑप्टिक्स का नेटवर्क बिछा रही है, कंपनियों के साथ मिलकर कंसोर्सियम बनाकर, गठबंधन करके ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए सस्ते दाम पर बोली लगा रहे हैं और उसे जीत भी रहे हैं। BSNL का 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, लोएस्ट बिड डाली है RVNL ने। RVNL ने HFCL के साथ मिलकर ये कारनामा अंजाम दिया है। यहाँ पर आपको ये फाइबर ऑप्टिक्स का प्रोजेक्ट छोटा लग रहा हो तो महोदय गौर फरमाइएगा, भारत में 20 लाख फाइबर किलोमीटर का फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क बिछाया जाना है। भारत नेट बड़ी परियोजना है मोदी साहिब की। भारत के हर गांव और कस्बे तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया जा रहा है। BSNL एवं राज्य सरकारें अलग अलग ये प्रोजेक्ट्स डाल रही हैं, मतलब RVNL को भविष्य में भी भारत नेट के प्रोजेक्ट्स मिलते रहेंगे। भारत का विकास नहीं हो सकता अगर हम इंटरनेट कनेक्टिविटी लोगों को दूर दराज के क्षेत्रों में उपलब्ध ना कराएं। तो ये नया सेक्टर है RVNL की कमाई के लिए। साथ में ध्यान देना महोदय, RVNL नए क्षेत्रों में तो जा रहा है, लेकिन जो इसका कोर एरिया है रेलवे, वहां भी प्रोजेक्ट जीत रहे हैं। श्रीमान, बेंगलुरु में मेट्रो का प्रोजेक्ट जीता है RVNL ने। दो दो खुशखबरियां आई तो आज शेयर भी 5% की उछाल के साथ ट्रेड कर रहा था। वैसे RVNL ऊपर से नीचे गिर चुका है। सरकारी क्षेत्र की L&T है RVNL। आपको जानकारी है 3 महीने बाद बजट आने वाला है। इस बार बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासा जोर होगा। RVNL L&T को उसका फायदा मिलना पक्का है। तो आगामी बजट के लिए मैं जनवरी में रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ श्रीमान, मेरी रिकमेंडेशन तो अक्टूबर में ही जा चुकी है। अभी ये जो गिरावट आ रही है उसमें भी, जी हाँ उसमें भी मैं इंफ्रास्ट्रक्चर थीम पर रिकमेंडेशन देता रहा हूँ, देता रहूंगा। आपसे बस करबद्ध निवेदन है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके अभी के अभी मेरा क्लाइंट बन जाइएगा महोदय।